नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं आप सुन रहे हैं, स्वागत है। अर्जुन कहते हैं पाशुपतास्त्र का वरदान मुझे मिल गया। मैंने उसके दूसरे दिन व्युसितो रजनीम चाहम कृत्वा पौर्वाह्नि की क्रिया अपश्यम तद द्विज श्रेष्ठम दृष्टवान अस्मि यमपुरा। तो दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही रात्रि व्यतीत हुई और मैंने पूर्वाह्नि क्रियाएं की, तभी वही ब्राह्मण जो शुरुआत में मुझे मिला था और जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था, जिसने मुझे शुभकामनाएं दी थी कि आप अगर तपस्या करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, अवश्य ही आपको आपकी मनोवांछित शस्त्रों की प्राप्ति होगी, वही ब्राह्मण फिर से मुझे दिखाई दिया। मैंने सारी बात उसको बताई कि किस प्रकार से आपके कथनानुसार मैंने महादेव को प्रसन्न किया है और उनके पास से मुझे वरदान की प्राप्ति हुई है। स माम उवाच राजेंद्र प्रिय मानो द्विजोत्तम दृष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित। तब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझसे कहता है कि आपने उन महादेव के दर्शन किए हैं, अन्य किसी ने इस प्रकार से महादेव के दर्शन नहीं किए। महादेव के दर्शन से आपको लगता है कि जो फल आपको मिल गया वो मिल गया, ऐसा नहीं है। अरे भाई, ये तो इस प्रकार के दर्शन हैं जो अन्य किसी को नहीं हुए हैं, तो इसकी फलश्रुति यहां आकर के पूर्ण नहीं होती है। आपको अभी तो सभी जितने भी दिव्यास्त्र हैं विविध देवताओं से प्राप्त होने हैं, क्योंकि आपको देवताओं का महान कार्य करना है। इसके बाद अथापराह्ने तस्याहर प्रावात पुण्यः समीरिणः पुनर्नवमिवम लोकम कुर्वन्निव सपत्नः। दोपहर हुई, समय आगे बढ़ रहा था, बड़ा सुंदर पवन बह रहा था, तभी सुंदर घोड़ों से युक्त रथ पे बैठ करके सची सहाया तत्रायात सह सर्वई तदा मरे। सची को साथ लेकर के स्वयं देवराज इंद्र सभी देवताओं से घिरे हुए वहां आकर के पहुंच जाते हैं। और फिर वो जो ब्राह्मण ने मुझसे कहा था कि महादेव के दर्शन से आपको लगता है कि आपने पाशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया, वो फल पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जीवन में याद रखिएगा कि कठिन तपस्या करने के बाद जब आप किसी फल को प्राप्त करते हैं, जैसे एक भूकंप आता है ना, तो उसके बाद आफ्टर शॉक बहुत आते हैं। इसी प्रकार से आप कठिन तपस्या से जब कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो सफलता अकेली नहीं आती आपके पास, उस सफलता के साथ बहुत सारी सफलताएं आपके पास आया करती हैं। यही हुआ है, कुबेर आए और कुबेर ने आकर के दर्शया मास माम राजलक्ष्म्या परमया युतः, अपनी दिव्य राजलक्ष्मी के साथ, क्योंकि कुबेर धनपति कहे जाते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी उस दिव्यता के साथ मुझे दर्शन दिए। फिर दक्षिण दिशा से आए हुए यमराज ने दर्शन दिए और इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता थे उन्होंने सबने दर्शन दिए और उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का मुझे ज्ञान दिया, अपने दिव्यास्त्र मुझे प्रदान किए। तब इंद्र ने मुझसे कहा, क्रूर कर्मास्त्र विदताते भविष्यसि परंतप, यदर्थम अस्त्राणीषु त्वं तम कामं पांडवाप्नुहि। हे पांडव श्रेष्ठ, तुमको अब इतने दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए हैं कि इतने अस्त्र मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति क्रूर कर्मा हो सकता है।
प्रभुता पाही काही मदनाई। अगर आपके पास शक्ति है तो फिर उस शक्ति का प्रयोग होने लग जाता है। तो इंद्र ने यहां पे अर्जुन को आगाह किया कि भैया इस प्रकार के दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के बाद क्रूर कर्मा अस्त्र वितात भविष्यसि। अस्त्रों का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति क्रूर कर्मा हो जाता है। तब अर्जुन कहते हैं ततो अहम अब्रुवन्नाहम दिव्यान अस्त्राणि शत्रुहन मानुषेषु प्रयोक्ष्यामि बिना अस्त्र प्रतिघातनान। तब मैंने उनको वचन दिया कि मैं अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कभी भी किसी भी मनुष्य के ऊपर तब तक नहीं करूंगा जब तक उसने कोई दिव्यास्त्र मेरे ऊपर ना छोड़ा। यानी अगर वो दिव्यास्त्र का मेरे ऊपर प्रयोग करेगा तो उस दिव्यास्त्र को काटने के लिए ही मैं इनमें से किसी दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा, अन्यथा मैं कभी भी इनमें से किसी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग किसी मनुष्य के ऊपर नहीं करूंगा। ये मैंने वचन दिया। परीक्षार्थम मये तत्ते वाक्य मुक्तम धनंजय। तब इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं जानता हूं शिव ने स्वयं आपको पाशुपतास्त्र कब दिया, जब आपकी अच्छी तरीके से परीक्षा ले ली थी। देखिए कितना युद्ध हुआ है वो तो आप जानते हैं। तो ये बात तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के आशय से मैंने कही थी। ममात्मजस्य वचनम सुपपन्नमिदं तव, लेकिन तुमने जो जवाब दिया है मुझे, तुम मेरे पुत्र हो, इस बात पे मुझे अभिमान होता है, इस बात पे मुझे गर्व होता है, क्योंकि तुमने जो जवाब दिया है वो मुझे बिल्कुल ही संतुष्ट करता है। और आज मुझे इस चीज का गर्व हुआ कि तुम जैसा पुत्र मेरे अंश से जन्मा है। ये पुत्र तुम हमारे स्वर्ग लोक में चलो और वहां पे ये जितने देवता हैं जिन जिन ने अपने अस्त्र तुमको प्रदान किए हैं वो तुमको इन सब अस्त्रों के प्रयोग की विधि, इनके उपसंहार की विधि और इनके आवाहन की विधि, ये सारी विधियां सिखाएंगे। इतना कहकर के इंद्र वहां से चले गए और तभी एक सुंदर घोड़ों से युद्ध रथ वहां आकर के पहुंचता है, जिस रथ को मातली चला रहे थे। उस रथ को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस रथ पे जैसे ही मैं बैठा मातली ने रथ चलाना शुरू किया, वो इस चीज से दंग रह गए कि उनका रथ चलने पर भी मैं बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। अवैक्षत च मे वक्त्रम स्थितस्याथ च सारथी तथा भ्रांते रथे राजन विस्मितश्चेदम अब्रवीत। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो रथ चला रहा है और रथ उसके चलाने पर भी मैं एकदम स्थिर बैठा हुआ हूं, क्योंकि अगर कोई वाहन दाहिने मुड़ता है तो व्यक्ति बाईं तरफ झुक जाता है, बाएं मुड़ता है तो दाईं तरफ झुक जाता है, कई बार वाहन जब गोल गोल घूमता है तो भी व्यक्ति को थोड़ा हिलना डुलना होता है, लेकिन अर्जुन एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे देख करके अत्यद्भुतम इदम त्वद्य विचित्रम प्रतिभाति में, उस मातली ने मुझसे कहा कि ये मेरे लिए एक दिव्य घटना है, आज तक मेरे रथ में कोई व्यक्ति बैठा हो और मैंने रथ का संचालन किया हो और कोई व्यक्ति एकदम स्थिर होकर बैठा रह गया हो, ऐसा नहीं बनता है। देवराजोपि ही मया नित्य मंत्रोपलक्षिता। अरे मैंने तो देवराज को बिठाया है रथ पे और उनको भी विचलन प्रथमोत्पाते हयानाम भरतर्ष पर, मेरे घोड़े जब चलना शुरू करते हैं तो वो भी अपनी जगह पे झटका खा के हिल जाया करते हैं, लेकिन आपका ये धैर्य, आपकी ये स्थिरता, ये प्रशंसनीय है। इसके बाद उस रथ में बैठा हुआ मैं सभी पृथ्वी और तरह तरह के लोगों के दर्शन करता हुआ स्वर्ग लोक में जाकर के पहुंचा। प्रविश्यताम पुरीम दिव्याम देव गंधर्व पूजिताम देवराजम सहस्त्राक्षम उपातिष्ठत कृतांजलि। वहां उस अलका नगरी में पहुंच करके मैंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। सभी देवता गंधर्व जिनकी पूजा में लगे हुए थे
फिर वहां रहते हुए तत् सर्वम अनवज्ञाय तथ्यम विज्ञाय भारत, सभी उन दिव्य अस्त्रों की विधि विधान, आवाहन, संचालन, उपसंहार सब कुछ सीखने के बाद एक दिन देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, ततो तुस्य सहस्राक्षस तेन कामे निमेपि, मेरे उस अभ्यास, मेरे उस प्रयत्न। देखिए, जब कोई आपका पुत्र हो, आपकी संतान हो, आपका शिष्य हो, वो बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहा हो, जो कुछ आप सिखा रहे हो वो बहुत अच्छे ढंग से सीख रहा हो, तो व्यक्ति को आनंद होता है। यहां हम अर्जुन की कथा पहले सुन चुके हैं कि उर्वशी ने किस प्रकार से उनको वश में करने की कोशिश की। यहां पे अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ अपने काम से काम था, मैं स्वर्ग में था, स्वर्ग के सारे सुख मेरे आसपास थे, लेकिन किसी में भी मैं लिप्त नहीं हुआ। और मेरी इस स्थिति को देख करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि न त्वद मध्य युधा जेतुम शक्य सुर गणैरपि, अब तुमको युद्ध में स्वयं देवता, गंधर्व, किन्नर सब लोग मिलकर के भी नहीं जीत सकते हैं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। अब देखिए, विद्या प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका विनियोग हो। अर्जुन को विद्या तो मिल गई है, लेकिन वो विद्या कितनी सफल है इसका अभी पता लगना बाकी है। तब इंद्र उससे कहते हैं कि ये सारे अस्त्र शस्त्र, ये सारे दिव्यास्त्र देवताओं ने आपको इसलिए प्रदान किए हैं कि निवात कवचा नाम है दानवा मम शत्रुवा, निवात कवच नाम के दानव हमारे शत्रु हैं और उन दानवों का संहार आपको करना है। 1000 घोड़े जिसमें जुटे हुए थे, इंद्र जिस रथ पे हमेशा सवारी किया करते थे, मातली जिस रथ को चलाते थे, आज वो दिव्य रथ बाहर निकला है, उस रथ पे मुझे बिठाया गया और ये जो दिव्य मुकुट आप देख रहे हैं, ये स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पे बांध करके मुझे निवात कवचों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। जब मैं उस रथ पे विद्यमान हुआ तब मुझसे मातली ने कहा, रथेनानेन मघवा जितवान संबरम युधि नमचिम बल वृत्तौचा प्रहलाद नरकावपि। अर्जुन, ये वही दिव्य रथ है जिस रथ पे बैठ करके देवराज इंद्र ने संबरासुर को परास्त किया, नमुची को परास्त किया, बलि को परास्त किया, वृत्र को मारा, प्रहलाद को परास्त किया, नरकासुर को मारा, इन सब को इसी रथ पे बैठ करके इंद्र ने पराजित किया है। आज आप इस रथ पे विद्यमान हैं, उस रथ पे दिव्य देवदत्त नाम का शंख रखा हुआ था, अयम चा शंख प्रवरो येन जेतासि दानवान अनेन विजिता लोका शक्रेणापि महात्मना। और फिर उन्होंने परिचय दिया कि ये शंख है, ये देवराज इंद्र का प्रिय शंख है, इस शंख के नाद से दानवों को और जितने राक्षस वगैरह हैं उन पे इंद्र विजय प्राप्त करते हैं और शंखनाद करते हैं, ये सुंदर दिव्य शंख है, उस रथ पे बैठ करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में आज मैं सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूं। और फिर मैं निवात कवचों के साथ युद्ध करने के लिए वहां से मातली के साथ निकला हूं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अच्छी लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।